सांबर के लिए 1 कप तूर दाल लिया, 1 कप क्यों लिया चाहिए अभी ये सांबर के लिए ना, ये सब चीज चाहिए। देखो रेडिश, एक बड़ा साइज का रेडिश, उसके बाद भिंडी, भिंडी है ना, अच्छे दाल गाढ़ी होना चाहिए। जब बढ़ाऊंगा कितने 10 से 12 ले लिया, भिंडी डाल लेंगे, फाइनली अपना गर्मा गर्म सांबर है ना बन। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल श्रीकर रेल फैन, और एक नए व्लॉग में, वो भी और एक रेसिपी व्लॉग में। आज मैं बना रहे सांबर, द फेवरेट साउथ इंडिया सांबर। मैं लास्ट टाइम बनाया था ना मैंगलोर स्टाइल चिकन सुखा करी, उसका अच्छा रिस्पांस मिला। अभी आज मैं बनाया था साउथ इंडिया सांबर। सांबर बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, इसलिए मैं आज मैं प्रॉपर सांबर बना के आपको दिखाऊंगा। सांबर के लिए क्या क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए, सांबर कैसे बनाना, उसका प्रोसेस क्या है, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। सांबर के लिए ना आपको दिख रहा है ना, ये तूर दाल लेना 1 कप। अभी सांबर के लिए 1 कप तूर दाल लिया, 1 कप क्यों लिया बोले तो, हमारे घर में हम 2 लोग है, उसलिए हम लोग 1 कप लिया। अगर घर में आप ज्यादा लोग है तो इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। अभी देखो 1 कप तूर दाल लिया था। दाल को है ना अच्छा से वॉश कर लिया 3 बार, देखो 3 बार अच्छा से वॉश कर लेना यार दाल को। 1 गिलास का दाल को 3 गिलास पानी लेना यार, ये 3 गिलास पानी डाल दिया। अभी दाल को थोड़े सूखने देंगे, ऐसे ही कम से कम 15 से 20 मिनट सूखने देना, जब क्या है दाल अच्छे कुक हो जाता। तो सांभर के लिए ना एक लेमन से इमली लेना है, इमली लेके पानी में भिगा के रखना है। देखो एक लेमन से इमली लेके इमली को अच्छा वॉश करके पानी में भिगा के रखना है थोड़ी देर के लिए। अपन दाल है ना अच्छा सूख गया 20 मिनट। अभी क्या करेंगे, थोड़ा हल्दी डालेंगे इसमें, हल्दी के बाद थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा चिल्ली पाउडर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा तेल डाल देंगे। अभी थोड़ा तेल डालेंगे बस। अभी सबका अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके इस कुकर में डाल रख देंगे इसको। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा अच्छे से मिक्स करके अभी कुकर है ना 4 से 5 बजे आने के तक वेट करना है। अपन अपना सांबर के लिए दाल है ना पूरा पक गया, देखो कुकर में वो 4 बजे हो गया। उसके बाद देखो अभी सांबर के लिए मेन होता है सांबर ऑनियन, ये छोटा वाला ऑनियन। अगर आपके छोटे पास छोटा ऑनियन नहीं है, बड़ा ऑनियन भी चलेगा। उसके बाद देखो ये गार्लिक, गार्लिक चले, गार्लिक 10 से 12 गार्लिक चाहिए। उसके बाद 2 टमाटर, 2 बड़ा साइज के 2 टमाटर। उसके बाद 2 बैंगन, 2 बड़ा साइज के 2 बैंगन। उसके बाद कोरिएंडर, उसके बाद करी पत्ता, उसके बाद एक बड़ा साइज का कैरेट, उसके बाद रेडिश, एक बड़ा साइज का रेडिश, उसके बाद भिंडी, भिंडी है ना कम से कम छोटा वाला भिंडी 10 ले लो, बड़ा वाला भिंडी 4 ले लो। उसके बाद ये मूंगफली ड्रमस्टिक, ये ड्रमस्टिक है ना बड़ा वाला ड्रमस्टिक, 2 काट के रख लिया। देखो उसके बाद हिंग चाहिए, हिंग, उसके बाद उड़द दाल, चना दाल, कोरिएंडर सीड्स, कमिन सीड, कोरिएंडर सीड्स, मस्टर्ड सीड्स और कमिन सीड्स, ये सब चाहिए। अभी ये सांबर के लिए ना ये सब चीज चाहिए। देखो इमली पानी में भिगा के रख दिया, देखो उसके बाद इस्तेमाल बाद में करेंगे अपन। यह ग्रीन चिल्ली है ना, ग्रीन चिल्ली एक मीडियम साइज का 8 चाहिए ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली डाले तो सांबर बढ़िया लगता है। ये दाल स्मैशर से दाल को अच्छा स्मैश कर लेना चाहिए, अच्छा दाल गाढ़ी होना चाहिए। जब जितना दाल अच्छा स्मैश करेगा ना सांबर की रेसिपी उतना अच्छा बढ़ेगा, अच्छा स्मैश कर लेना, ठीक है। ये स्मैशिंग में डिपेंड रहता है आपका सांबर की टेस्ट कैसा होगा। बोलते देंगे तेल, तेल कितना डालना है, 6 स्पून का तेल डालना है, 2 3 4 5 6। अब तेल डाल दिया ना, तेल डालने के बाद अभी डालेंगे हमारा अपना मसाला आइटम्स। देखो मसाले डिश में पहले क्या डालेंगे अपन, चना दाल डालेंगे 1 कप, उसके बाद उड़द दाल डाल देंगे, उसके बाद जीरा डालेंगे, उसके बाद कमिन डालेंगे, ये सब अपने हिसाब से डालना है यार, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद ये कोरिएंडर डालेंगे, ठीक है। ये सब डालने के बाद अभी डालेंगे देखो करी पत्ता,
एक करी पत्ता डाल देंगे। आप अभी करी पत्ता डालने के बाद यह सांभर आने कितने 10 से 12 ले लिया ना, ये सांभर आने डालेंगे। उसके बाद डालेंगे ये लहसुन का स्टिक डाल देंगे। अभी डाल दिया ना ये सब, अभी अच्छे मिक्स कर देंगे। आप अच्छे मिक्स करेंगे, अच्छा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अभी इंग डालेंगे, इंग इंग भी 2 स्पून डालेंगे। ठीक है, इंग डाल दिया ना, अभी और एक बार मिक्स कर देंगे। अभी डालेंगे टमाटर। ठीक है, ये टमाटर है 2 और 3 साइज, 3 टमाटर डालना है साइज कट करके। देखो ऐसा टमाटर डालेंगे, अच्छे मिक्स कर देंगे। प्याज और टमाटर अच्छे मिक्स कर देना। थोड़ा तेल पकड़ने के बाद इसको थोड़ा तेल पकड़ने के बाद अभी डालेंगे ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली है ना, ग्रीन चिल्ली कैसे आप डाल दो यार, आपने सब कितना भी डाल सकते ग्रीन चिल्ली। हमको थोड़ा स्पाइसी पसंद है ना, उसके हम ज़्यादा डाल रहे। उसके बाद अभी हर वेजिटेबल डाल देंगे। उसके बाद भिंडी, भिंडी डाल देंगे। अब डालेंगे रेडिश, अभी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो नीचे नहीं पकड़ना चाहिए, उसमें थोड़ा मिक्स करके डालेंगे, मिक्स करके डालेंगे हर वेजिटेबल। थोड़ा गैप दे भी, गैप दे के भी डाल सकते, सब एक ही बार डाल सकते आप हिसाब से। अभी डालेंगे ड्रम स्टिक। ये सब वेजिटेबल्स क्यों डाल रहा मालूम, सांबर को मेन अट्रैक्शन वेजिटेबल्स ही है। जितने वेजिटेबल्स डाल देगा ना उतना सांबर अच्छा रहेगा, और वेजिटेबल्स के आरोमा से सांबर का टेस्ट और बढ़िया बड़ा भी होगा और बढ़िया भी होगा। सांबर वेजिटेबल, सांबर इक्वल टू वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स इक्वल टू सांबर। अभी उसके बाद अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट बैगन, गनगन बैगन, बैगन भी डाल देंगे। ठीक है, अभी ये सब मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नीचे से मिक्स करना पड़ेगा आपको। वोल्ट अभी साथ में ले लिया, अभी कभी पतीला गिर जाएगा। अभी अच्छा, अभी आप इसमें मसाला स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, ये रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट है ना, देखो 2 स्पून डाल दो, मैं 2 स्पून रॉक सॉल्ट। आपके हिसाब से नमक कितना भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नमक कम कर दे तो 1 स्पून डाल ले। ठीक है, रॉक सॉल्ट 2 स्पून। उसके बाद डालेंगे अभी हल्दी। हल्दी कितने डालेंगे, 1 स्पून डालेंगे। क्यों बोलते हो, ऑलरेडी जब अपन दाल तड़का मारा था ना, दाल फ्राई किया था ना कुकर में, जब ऑलरेडी 1 स्पून डाल दिया, अभी और 1 स्पून डाल देंगे। ठीक है, जब बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद डालेंगे अपना चिल्ली पाउडर। चिल्ली पाउडर डालेंगे 1 स्पून, क्यों आड़े अपन मिर्चा डाला ना ज्यादा, उसमें चिल्ली पाउडर 1 स्पून डालेंगे। ठीक है, अभी ये 3 चीज डाला ना, अभी ये मिश्रण को अच्छा मिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छा मिक्स कर देंगे, अच्छा मिक्स कर देंगे। ये जितना भी सब्जी है ना, ये हर सब्जी को हर मसाला पकड़ना चाहिए, जब उसका सांभर के लिए अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, अभी सब वेजिटेबल डालने के बाद ना, अपन क्या क्या मिक्स किया था, फर्स्ट डाला था नमक, उसके बाद डाला था हल्दी, उसके बाद डाला था रेड चिल्ली। अभी देखो ये कमिन पाउडर है, ये देखो गरम मसाला है, स्पेशल गरम मसाला है। अब ये देखो सांबर पाउडर है, अभी ये कोरिएंडर पाउडर है।
अभी ये चार चीज है ना स्टेज पे स्टेप बाय स्टेप डालना है। पहले अपन डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, ठीक है, कोरिएंडर पाउडर 2 स्पून डालेंगे, ठीक है। कोरिएंडर पाउडर डालने के बाद अभी अपन डालेंगे क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन यानी जीरा पाउडर है ये। अभी दोनों डाल दिया ना, अभी ये दोनों को अच्छा मिक्स करेंगे। मैं ये देखो ये भी हैंडल करना है, अगर ये नहीं पक लेना गिर जाएगा उसके लिए, ये सपोर्ट के लिए। अभी देखो ये सब हर सब्जी को पकड़ना चाहिए मसाला पूरा। अब वेजिटेबल्स देखो इसके अंदर 50% पक गया और ऊपर से पानी भी निकाल रहा है नीचे से। अभी अपन डालेंगे इमली है ना, अच्छा से पानी, इमली देखो इमली, अच्छा इमली का पानी डालेंगे इसमें। अभी इमली का पानी डालेंगे इमली पानी डाल दिया ना, इमली पानी डालने के बाद देखो अच्छा मिक्स करना है। अभी इसमें क्या होता है मालूम, इमली पानी डालने से अभी जितना भी वेजिटेबल्स है ना, ये वेजिटेबल्स को इमली इमली का फ्लेवर पकड़ के इसमें आधा बॉयल हो जाएगा। देखो नॉर्मल पानी से इमली पानी डालने से ये अच्छा फायदा होता है। अभी देखो डाले ना गाड़ी जैसे अच्छा मिक्स कर लिया ना, अभी देखो अच्छा मिक्स कर लिया। अभी क्या करेंगे ये सब्जी में मिक्स कर देंगे। अब दाल मिक्स करने के बाद और एक बार मिक्स कर लेंगे, अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अभी और एक बार मिक्स करने के बाद अभी सब्जी है ना 80% पक चुका है और 20% बाकी है। अभी क्या करेंगे, अभी इसको लो फ्लेम में रख के अभी ऊपर ढक्कन रख देंगे, ठीक है। कभी भी ढक्कन रखेगा ना ऊपर, कभी भी हमेशा लो फ्लेम में रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखो सब्जी थोड़ा थोड़ा पक जा रहा है ना, अभी अपन करेंगे अभी डालेंगे देखो गरम मसाला। अभी गरम मसाला डाल दिया ना, गरम मसाला डालने के बाद अच्छा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अभी गरम मसाला डालेंगे, डाला थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा थोड़े पकने देंगे, उसके बाद अपन मिलाएंगे सांभर पाउडर। अपन सांभर है ना अच्छा से पकड़ा देखो। अभी ये सांभर में अभी अपन थोड़ा ऐड करेंगे सांबर पाउडर। अभी डालेंगे सांबर पाउडर 2-3 स्पून, ठीक है। ओके सांबर पाउडर डाल दिया ना, अभी सांबर पाउडर डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अभी मिक्स करने के बाद अपन चेक कर लेना हर सब्जी पका नहीं पा रही। पहले मूंगफली देखो, मूंगफली पका नहीं था, देख लेना सब्जी भी चेक करना मैंडेटरी भाई। मूंगफली पकने में थोड़ा टाइम लगता है, भिंडी पक गया, टमाटर पक गया, बैंगन पक गया, और मूंगफली नहीं पका देखो। तो मूंगफली थोड़ा देख लेना, अभी मूंगफली नहीं पकना, उसलिए क्या करेंगे थोड़ा देर और करेंगे। अभी डालेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट अपन कोरिएंडर। ये देखो सांबर देखने में डालते लग रहा है।
अभी थोड़ी देर रखेंगे कुक करने का, 2-3 मिनट रख के उसके बाद बंद कर देंगे। फाइनली अपना गर्मा गर्म सांभर है ना बन चुका है, देखो वाह देखने में से काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। फाइनली मेरा गर्मा गर्म सांभर खत्म हो गया और अच्छा अच्छा नया वीडियो लाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ऐसे कोशिश करने के लिए आपका सपोर्ट भी मेरे को चाहिए, ठीक है। इधर तक मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल श्रीकर रेल फैन। और एक बात, अगर वीडियो में कुछ बुरा चीज़ है, वीडियो में कुछ आपको पता समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं है, मेरे कमेंट करके बताओ यार, मैं हर चीज़ पॉजिटिव ले लूँगा। क्यों बोले तो अगर वीडियो में कुछ नेगेटिव रहता ना, मैं उसके पॉजिटिव कैसे करना मैं सोचूंगा, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।